सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। देश में कई राज्यों में लंपी वायरस पशुओं पर काल बनकर टूट रहा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों के मवेशियों में लंपी वायरस फैल चुका है। उत्तर प्रदेश में अब तक 25 जिलों में लंपी वायरस पैर पसार चुका है। सबसे ज़्यादा असर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और अलीगढ़ में देखा जा रहा है। प्रदेश में 15 लाख से भी ज़्यादा मवेशी लंपी वायरस की गिरफ्त में देखे गए हैं, जिसमें 25,000 जानवर सीधे तौर पर संक्रमित हैं। गौवंश में बढ़ता लंपी वायरस का संक्रमण, इस तरफ जहां मवेशियों की जान के लिए खतरनाक होता जा रहा है, तो वहीं गाय का दूध, गौमूत्र और गोबर पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। यूपी में अब तक 250 जानवरों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। लंपी पशुओं में पाए जाने वाला एक खतरनाक वायरस है, जो पशुओं के संक्रमित मच्छरों, मक्खियों, जू के सीधे संपर्क में आने से फैलती है। इसके अलावा दूषित भोजन और पानी के सेवन से भी मवेशियों में यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में 45,000 से ज़्यादा जानवर इससे मारे जा चुके हैं और कम से कम देश भर में 15 लाख के ऊपर जानवर इससे संक्रमित हैं। लंपी स्किन वायरस की चपेट में आकर देश में लगभग 50,000 से अधिक पशुओं की मौत भी हो चुकी है। तो लंपी वायरस का कहर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें किसान बहुत ज़्यादा भयभीत हैं इस वायरस से, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके जानवरों में तेज़ी से फैले और इनसे उनके जानवरों की मौत हो। साथ ही वो ये किसान इससे भी डरे हुए हैं कहीं ये वायरस फैल के इंसानों में ना पहुंच जाए। लंपी वायरस की इतनी ज़्यादा संक्रमणता बहुत चिंता का विषय है। इसमें जानवरों में दाने उभर आते हैं और बाद में ये दाने धीरे धीरे घाव का रूप ले लेते हैं, और ये संक्रमण जब होता है तो जानवरों में तेज़ बुखार आता है और इनके पूरे शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, बड़े दाने पड़ जाते हैं जो बाद में फोड़े के रूप में बन जाते हैं और घाव बन जाते हैं, जिससे संक्रमण के बढ़ने से जानवरों की मौत हो जाती है। आम जनता भी बहुत ज़्यादा इससे डरी हुई है कि कहीं ये संक्रमण इंसानों में भी ना फैल जाए। बता दें कि पशुओं का काल बरकन टूट रहा है लंपी वायरस। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में लंपी वायरस अपना पैर पसार चुका है। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों लंपी वायरस के पैर पसारने की जानकारी मिल चुकी है। इसका सबसे ज़्यादा असर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और अलीगढ़ में देखा जा रहा है। प्रदेश में अब तक 15 लाख से ज़्यादा मवेशी लंपी वायरस की गिरफ्त में आ चुके हैं, इसे संक्रमित हो चुके हैं। आमतौर पर यह वायरस 2-3 हफ्ते में ऑटोमेटिक सही हो जाता है, इसे जानवर रिकवर हो जाता है, मगर एक बड़ी संख्या में जानवरों का इस संक्रमण में आना, उसके बाद मृत्यु हो जाना, ये चिंता का विषय है। जानवरों को टीके लगाए जा रहे हैं, जिससे काफ़ी स्थिति उनकी सुधार रहे, नहीं तब भी चिंता का विषय यह है कि किसान इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और किसान नहीं चाहता कि आने वाले समय ये वायरस इंसानों को भी संक्रमित करे। देश में कई राज्यों में लंपी वायरस पशुओं पर काल बनकर टूट रहा है, जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा लंपी वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसमें महाराष्ट्र में 45,000 से ज़्यादा जानवरों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग देश भर में 15 लाख से ऊपर जानवर इससे संक्रमित पाए गए हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव मौजूद हैं। गौरव, लंपी वायरस का प्रकोप बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें से यूपी, राजस्थान, जिस राजस्थान में कम से कम 45,000 से ज़्यादा की जानवरों की मौतें हो चुकी हैं और 15 लाख के ऊपर जानवर जो है संक्रमित हैं इससे, और इंसान कहीं ना कहीं डरा भी हुआ है, भयभीत है, किसान भी भयभीत है कि कहीं ये इंसानों में ना फैल जाए। क्या जानकारी है इसको लेकर आपके पास? जी बिल्कुल मानी जी, यहाँ पर लंपी वायरस लगातार प्रकोप जारी है और 15 लाख या 20 लाख से लगभग जानवर पूरे देश में संक्रमित है। अगर बात करें राज्यों की, तो लगभग 16 राज्यों में बीमारी फैल चुकी है और बड़ी संख्या जो गाय हैं उनकी से मृत्यु भी हो रही है। अगर मृत्यु का आंकड़ा बताएं तो लगभग 60,000 से ज़्यादा जो आंकड़े हैं वो सरकारी आंकड़े हैं, जिनके माध्यम से ये बताते हैं कि लगभग 60,000 मवेशियों यानी गायों की इससे मृत्यु हो चुकी है लंबी बारिश के कारण। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में भी लगभग 25 शहरों में फैल चुका है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अलीगढ़ में तीव्र गति पर है, उसकी जो संख्या है वो ज़्यादा है। देश भर की बताया मैंने, 60,000 से ज़्यादा मवेशियों यानी गायों की मृत्यु हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कीट पतंगों, मक्खी और ततैया के द्वारा ये रोग फैल रहा है, इसके रोग भाग बन रहे हैं और इसके द्वारा लगातार पशुओं में संक्रमण का घोषणा बोर की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ये प्रयास ये भी किया जाए कि टीकाकरण जल्दी हो, इसके लिए सरकार प्रयास भी कर रही है टीकाकरण की दशा में आगे बढ़ाने की, किस तरह टीकाकरण किया जाना है। और ये टीकाकरण बहुत जरूरी है मनीष, बिना टीकाकरण के इस बीमारी को रोकना फिलहाल संभव नज़र नहीं आ रहा है।
गौरव, प्रशासन इस पर कितना मुस्तैद है, उसको लेकर क्या उसने स्टेप उठाए हैं, क्या तैयारियां उसने कर रखी हैं? प्रशासन का कहना यह है कि आज जो भी जो इससे संक्रमित पाया जाता पशु, उसको अन्य पशुओं से अलग कर दें, उसको आइसोलेट कर दें, उसके अलग से वहाँ पर देखभाल करें, क्योंकि अगर पशु फैल रहा है, संक्रामक हो रहा है, मक्खी की पतंगों के द्वारा रोग भाग इसका हो रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो भी पशु संक्रमित होता है, जो भी गाय संक्रमित होती हैं, उसको वहाँ से अलग कर दिया जाए, कम से कम उन पशुओं को ना फैले। सबसे पहले रोकथाम यह है, टीकाकरण की दृष्टि से इसे यहाँ पर बढ़ाना है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर साफ सफाई रहेगी तो निश्चित रूप से पशु इस बीमारी से बच सकेंगे। सारे यार जो टीकाकरण की व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त करना है, और जो भी कोई हल्की सी बीमारी होती पशु को उसको तुरंत इसको इलाज कराना भी आवश्यक हो गया है। गौरव, लंपी वायरस से आम जनता भी बहुत ज़्यादा भयभीत है, किसान भी बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, क्योंकि ये वायरस फैलने के बाद जानवरों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो रही है। इंसान भी आम आदमी भी सोच रहा है कि अगर जानवरों की तरह मृत्यु हो रही है, कहीं इंसानों को ना हो जाए, कहीं इससे संक्रमण इंसानों को ना फैल जाए, तो ये कहाँ तक आपको लगता है कि ये ऐसा हो सकता है? देखिए मनीष, अभी तक ऐसा कोई आंकड़ा नहीं आया है कि वायरस इंसानों फैलता पशुओं से, अभी तक इसकी कोई पुष्टि भी नहीं हुई है, ना कोई केस आया है। तो सबसे पहले यानी सुकून की ये बात है कि अब तक कोई इसकी पुष्टि भी नहीं हुई, कोई केस भी नहीं आया है, और इस वायरस की प्रकृति है वो अगर पशुओं वाली है, पशु में फैलता है, कीट पतंगों द्वारा फैलता है, और जो अभी तक आंकड़े आए 20 से ज़्यादा, वो सब पशुओं के आए, मानव की इसमें कोई क्षति नहीं हुई है, और ना ही ये वायरस मानव से फैला है, ये अपने आप में राहत देने वाली बात है। आने वाले समय में इस वायरस के रोकथाम के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, आइसोलेशन बहुत जरूरी है, और साथ साथ टीकाकरण के साथ साथ सफाई भी बहुत जरूरी है इस बीमारी को रोकने को लेकर। जी हाँ, अब अमूमन ये देखा जा रहा है कि जितने भी गाय या भैंसों जिनमें भी ये वायरस फैल रहा है, उनमें पहले ये दाने होते हैं, फोड़े बन जाते हैं, जिसमें बाद में घाव बन जा रहा है, घाव में ज़्यादा संक्रमण फैलने से उनकी मृत्यु हो रही है। फिलहाल गौरव, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोंडा में 6 माह में से रसोइयों का मानदेय नहीं मिल रहा है, वहीं 500 से अधिक रसोई ऐसे भी जिन्हें मानदेय नहीं मिला है। आपको बता दें कि जिम्मेदार अधिकारी बजट के अभाव बताकर बचने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि महंगाई के इस दौर में परिवार को नमक रोटी खिलाना भर का मानदेय भी मिलना दूभर हो गया है। कम मानदेय में कैसे लोग अपनी गुजर बसर करेंगे, ये बहुत ही चिंता का विषय है। दिक्कत यह है कि पैसा कौड़ी तब मिलत ना ही है, बहुत परेशानी रहता है, कहूँ थोड़ा 2,100 या 1,000 रहा था तो हमारा पूरे नहीं पड़ता है, वो लड़के हाली खर्चा दिया ना है तो हमारा कौन मेरे खर्चा चली, 6 महीना खर्चा ना ही मिला है। कितना महीना हो गया? 6 महीना। तो कैसे खर्चा चलता है, क्या करती हैं? अरे कौन मेयर केयर गाड़ी पार कौनो मेयर केयर करी थे और का करी हम, अरे यार वो आवत है खर्चा पर्चा, यो में 4-5 हजार लगी तो कौन मेयर केयर खर्चा चलाई हम, मौज मजमूर हैं हम, खर्चा पानी ना मिला था, अब बराबर खर्चा 6 महीना हो गया खर्चा ना दिए अब लोग, तो कैसे गाड़ी चल पाई, अब का बोले देवो तब खर्चा हो, घर वाले पैसा तारा देते ही नहीं खर्चा। इस खबर पर हमारे साथ गोंडा से हमारे संवाददाता खेमराज मौजूद हैं। खेमराज, गोंडा में 6 माह से रसोइयों को मानदेय नहीं मिल रहा है, वहीं 500 से अधिक रसोई ऐसे हैं जिन्हें मानदेय नहीं मिला है, क्या जानकारी है आपके पास? आपको बता दें गोंडा में करीब 6 महीना हो गया और रसोइयों को कोई पैसा नहीं मिला है, इनकी स्थिति बहुत दुखद है। जब रसोइयां से बात किया गया तो वो बता रही हैं कि जो भी हमारे अधिकारी हैं वो बजट के अभाव में बता करके पैसा बताते हैं, अभी नहीं आया, सरकार द्वारा नहीं मिला है, जब आएगा तब आपको दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में रसोइयों का बड़ा बुरा हाल है, उनके खर्चे के लिए 10-5 रुपये भी के लिए मोहताज हैं रसोइयां। कैमराज, अधिकारियों का ये कहना कि जब बजट आएगा तब मिलेगा, उस स्थिति में इन रसोइयों का क्या होगा? रसोइयों की स्थिति बहुत बुरी है, बड़ी कंडीशन खराब है उनसे, उसमें माताएं और जो भी माँ के समान है उनको जब भी बात किया गया और उनसे पूछा गया तो वो कह रही हैं कि मात्र 1500 रुपये मिलता है, और 1500 रुपये भी समय पे नहीं मिलता है, 6 महीने नहीं मिला है, अब हमको दवा का काम है या थोड़ा खिर्ची मिर्ची की काम है, हम तो मीनू के हिसाब से जो भी सरकार का नियम हिसाब से हम भोजन बनाते हैं, पकाते हैं, अच्छे से खिलाते हैं, लेकिन हमको अपने बच्चों के लिए अगर 2 रुपए की बिस्कुट खरीदना हो तो वो भी मोहताज है, 2 रुपए भी मिलना मुश्किल है, 6 महीना नहीं मिला सर, अभी आप ही सब कोई प्रयास करिए, कुछ भी करिए जिससे पैसा मिल जाए, उनका तो ये दुखद स्थिति देखकर आंख में आंसू आ गया, क्या बताएं। खेमराज, आपने अधिकारियों से इस बारे में कुछ चर्चा करी, कुछ जानने कोशिश किया? चर्चा करना जी, वो चर्चा करने पर बताए कि जब बजट आएगा तब मानदेय दिया जाएगा, बिना बजट के हम पैसे कहां से दे रहे हैं।
बता, इतनी महंगाई में जहाँ पे 500-600 रुपए पता नहीं चलता कि कब खर्चा हो जाता है, वहाँ पे इन लोगों की ऐसी स्थिति 6 महीने से आप बता रहे हैं कि नहीं हो पा रही है, तो जाहिर सी बात है दाना पानी कितना मुश्किल हो गया होगा इन लोगों के लिए। फिलहाल खेमराज, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोंडा में अनिश्चितकालीन कार बहिष्कार और प्रदेशव्यापी हड़ताल, NRLM आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वहीं 16 ब्लॉकों के NRLM के कर्मचारियों ने बहिष्कार कर दिया है कार्य का और कहा कि रोजगार पर संकट बढ़ा रहा है, हम सब हक मांग रहे हैं। साथ ही कहा शांति के माहौल में यह कार बहिष्कार पूरे प्रदेश में चल रहा है। आपको बता दें कि कर्मचारियों की मांग है कि वेतन की बढ़ोतरी की जाए, हमारी ओर से जो मांगे हैं सरकार सुने और सुविधा प्रदान करे। मैडम, निलंबित कुमार श्रीवास्तव है, हम लोग NRLM में कार्यरत हैं। यहाँ पे हम लोग का सामूहिक धरना प्रदर्शन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, पूरे यूपी में हो रहा है, 826 ब्लॉकों में, क्योंकि हम लोग खुद ही स्वरोजगार दे रहे हैं और आज अपने स्वरोजगार पर रोजगार पर दिक्कतें आ गई हैं, क्योंकि 2013-16 के बाद हम लोग का कभी कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। जी, मेरा नाम विजय कुमार है, मैं यहाँ गोंडा ज़िले के छपिया ब्लॉक में BMM पर पे कार्यरत हूँ। हम यहाँ जितने भी साथी हैं 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक कार्य बहिष्कार पे हैं। हमारी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के, जिसके लिए पूर्व में भी हम लोग को SES सर मनोज कुमार सिंह के द्वारा आश्वासन दे करके हम लोग के साथ छल किया गया, जो आज तक हम लोग को नहीं दिया गया है। मेरा नाम अंबिका कनौजिया है, मैं जिला मिशन प्रबंधक हूँ। ये हमारी पूरी टीम है NRLM की, हमारे समस्त DMM की टीम है। हमारी मांग ये है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा चलाए हुए एक मुहिम है, जब से हम लोग विगत 5-4 सालों से मैं NRLM में काम कर रहा हूँ, उस गरीब तबके के लिए, उस गरीब समुदाय के लिए, लेकिन अब तक हमारा जो है ना तो हमको वेतन में इंक्रीमेंट लगाया गया है और ना ही जो है हमको जो है हमारी जो है इंश्योरेंस करवाई गई है। हमारे संवाददाता खेमराज इस खबर पर हमारे साथ हैं। खेमराज, NRLM आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हड़ताल पे हैं, आपने उनसे बात करी है, क्या है उनकी मांगे? जब उनसे बात किया गया वो बताया कि जो भी सुविधाएं लोगों को मिलती है वो सुविधाएं हमको नहीं मिलती है। जैसे उसने बताने कि लोग कर्मचारियों को बीमा मिलता है या कोई दुर्घटना हो जाए ड्यूटी के समय वो लाभ मिलता है, हमको वो लाभ नहीं मिलता है। और उसी साथ साथ में ये कहने लगे कि मैं गरीब महिलाओं को, गरीब ही तबकों के लोगों को मैं रोजगार से जोड़ता हूँ और जो बिल्कुल निसहाय होते हैं, उनके पास कोई इनकम नहीं होता है, कोई भर्ती नहीं होता है, कोई पैसा नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनको जमीनी स्तर से उठा करके और स्वावलंबी बनाता हूँ। लेकिन हमारे बारे में सरकार का ना कोई ध्यान है और ना कोई सोच है। हम सब अनिश्चितकालीन के लिए धरना पे बैठे हैं, सारा कार्य बहिष्कार है 12 तारीख से लेकर के और 16 तारीख तक। खेमराज, वेतन बढ़ोतरी को लेकर मांग की जा रही है, आपने सबसे बात करी होगी तो उन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई होंगी, क्या क्या उन्होंने और मांगे रखी अपनी? वो अपनी ये मांगे रखे कि पहले तो हमको बीमा से जोड़ा जाए और जो भी सरकारी योजनाएं लाभ है उससे जोड़ा जाए, हमारे बच्चों को शिक्षा व जो भी भत्ता होता है हमारे साथ साथ शिक्षक बच्चों को भी हमारे उसके साथ जोड़ा जाए, जो भी सरकारी लाभ मिल रहा है और कर्मचारियों उन्हीं के अनुसार हमको भी लाभ मिलना चाहिए। ये भी कह रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं कि पहले से हमको अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया था लेकिन मेरे साथ छल किया गया, उसको पूरा सब फर्जी बताया गया, अभी तक कोई आश्वासन वैसे खोखला है, कुछ सही नहीं किया गया, ना कोई हमारे प्रति कोई सही व्यवहार किया गया मानदेय के हिसाब से। जाहिर सी बात, आउटसोर्सिंग से जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनका वेतन उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना जिसमें अपना घर बसर कर सकें वो, तो 16 ब्लॉकों के NRLM कर्मचारी जो हैं इस धरने पर बैठे हुए हैं। फिलहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर सीतापुर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई की है, जहां अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों को प्रशासन ने सीज कर दिया। मानक विहीन चल रहे हॉस्पिटलों को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सीज करने की कार्रवाई की है। नर्सिंग होम में भर्ती 4 मरीजों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बता दें सीतापुर शहर के हरदोई चुंगी में अन्य हॉस्पिटल की ये मामला है पूरा। द्वारा चेक किया गया और यहाँ पर 4 मरीज भर्ती पाए गए लेकिन कोई भी चिकित्सक के नाम पे कोई भी नहीं था। एक GNM स्टाफ नर्स है वो लगा रही है और बाकी डॉक्टर के नाम पे कोई नहीं।
तो इस पर क्या कार्रवाई सर हो रही है? रजिस्ट्रेशन के चलने के कारण जी तत्काल बंद करने के लिए पीआईएल को मरीज का भर्ती है जिसको जिला अस्पताल एम्बुलेंस बुलाई है, उसको भेजा जा रहा है एम्बुलेंस से मरीज को जिला अस्पताल भर्ती करवा करके ये अस्पताल पूरा सील किया जाएगा अभी जी, ये कार्रवाई की जाएगी, बिना रजिस्ट्रेशन को ये अस्पताल नहीं चलेगा। बता दें ये खबर सीतापुर से है जहां स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई की है, जहां अवैध रूप से चलाए जा रहे इस निजी अस्पताल को प्रशासन ने सीज कर दिया है। मानक विहीन चल रहा था अस्पताल, हॉस्पिटल को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सीज करने की कार्रवाई की है। नर्सिंग होम में भर्ती चार मरीजों को जो वहाँ पर इलाज के दौरान मौजूद थे, उनको चार मरीजों को जिला अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया है। बता दें सीतापुर शहर हरदोई चुंगी की अन्य हॉस्पिटल का है पूरा मामला। अब ये नर्सिंग होम अवैध रूप से मानक विहीन चल रहा था जिसपे कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मानक विहीन अस्पताल को सीज किया। इस खबर पर हमारे संवाददाता मुनीश हमारे साथ मौजूद है। मुनीश, स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल पर कार्रवाई की है, अवैध रूप से संचालित निजी अस्पताल को प्रशासन ने सीज कर दिया है, क्या जानकारी है आपके पास को लेकर? जी मनीष, बीती देर शाम कल शहर में स्थित हरदोई हरदोई रोड पर स्थित अनन्या हॉस्पिटल को कल प्रशासन ने सीज कर दिया है। इसमें जानकारी यह मिली थी कि क्या जो हॉस्पिटल चल रहा था, जो मानक विहीन चल रहा था, ना तो उसमें कोई फार्मासिस्ट था, ना तो पैरामेडिकल टीम थी और ना ही कोई सुचारू रूप से व्यवस्था थी जो मरीज को बेहतर मिल सके। जी सुनीश, क्या कार्रवाई की है आज इस अस्पताल पे? जी सीएमओ सीतापुर सीएमओ के निर्देश जी बताइए। तत्काल रूप से इसको सीज कर दिया अस्पताल और जो अस्पताल में चार मरीज भर्ती थे उनको अस्पताल के एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया है। सुनीश, कैसे जानकारी में आया ये अनन्या हॉस्पिटल की यहाँ पे ये मानक पूरे नहीं है और इसके कितने सालों से चल रहा था? जी मनीष जी, आपको बता दें सीतापुर के शहर में लगभग 50 से ज्यादा ऐसे हॉस्पिटल हैं जो मानक विहीन चल रहे हैं, लेकिन कुछ मीडिया द्वारा सूचना पर और कुछ लोगों की सूचना पर ऐसे हॉस्पिटलों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जहां कल देखा गया स्वास्थ्य महकमा ने अचानक अनन्या हॉस्पिटल पर कार्यवाही की और वहां पे ट्रीटिंग दी, जहां पर भी मानक विहीन पाई सूचना पर ना तो वहां पर उस समय डॉक्टर थे, ना ही पैरामेडिकल टीम थी और ना ही वहां पे कोई फार्मासिस्ट था, केवल चार मरीज भरते थे और ग्लूकोज चढ़ा था, उनकी देखरेख की कोई व्यवस्था नहीं थी, गंदगी थी, जिनके देखते हुए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेंद्र शाही ने तत्काल उनको सीज किया अस्पताल की और जिसके बाद जो मरीजों में भर्ती थे उनको सरकारी एम्बुलेंस बुलाकर उनको जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। सुनीश, अनन्या हॉस्पिटल के जो संचालक थे उनका क्या कहना है इस पे जब उनके ऊपर कार्रवाई हुई है? तो जी वो मीडिया से बात करते हुए कतरा रहे हैं और मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब मीडिया कल जो वहां पे जब अस्पताल सीट पर मीडिया वहां पर खड़ी थी तो कहीं ना कहीं वो इन चीजों से हटते हुए नजर आए और अपनी कमियों को छुपाते हुए आए। सुनीश, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।